कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से लोकल मिलों के बारे में। आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में टैंकर्स में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजार के बारे में विस्तार से जानेंगे। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले विदेशी बाजार के बारे में जान लेते हैं। तो कल रात CBOT सोयाबीन लगभग स्थिरता के साथ बंद हुआ। सोया तेल वायदे में नरमी से सोयाबीन में दबाव, लेकिन अच्छे साप्ताहिक एक्सपोर्ट की वजह से बाजारों को सहारा मिला है। अमेरिकी सोयाबीन साप्ताहिक एक्सपोर्ट 10.26 लाख टन हुआ, जो कि मार्केट अनुमान के मुताबिक ही देखा गया। चीन के बाजार में आज कारोबार काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और CBOT सोया तेल और चीन के बाजार में गिरावट को देखते हुए KLC आज गिरावट के साथ खुला है। मार्केट इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट की लेवी छूट पर निर्णय का इंतजार कर रहा है, और रूस ने जब से सुरक्षित कॉरिडोर डील को रद्द करने की धमकी दी है, तब से सप्लाई की चिंता के कारण मजबूत बाजार देखा जा रहा है। रूस ने अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये डील अवधि नवंबर के बाद बढ़ाया जाएगा या नहीं, जिसके चलते मार्केट की चाबी काफी अनिश्चित देखी जा रही है। KLC में 4215 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल है, और अभी जो सेंटिमेंट है वो एक रेंज बाउंड दायरे में रहने की तरफ इशारा कर रहा है। अब कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाजारों में, विदेशी बाजार में, जैसा कि हमने आपको बताया विस्तार से कि गिरावट देखी जा रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं घरेलू बाजार पर देखा जा रहा है, टैंकर की कीमतों पर देखा जा रहा है। लेकिन लोकल मिलों की जो कीमतें हैं, बहुत ज्यादा इसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है, परिवर्तन बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। बाजारों में जो माल है वो बिका हुआ है, इसीलिए लोकल मिल वाले जो हैं वो माल बेचने के लिए इच्छुक ज्यादा नजर नहीं आ रहे। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। नजर नहीं आ रहे हैं। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो मयूर वनस्पति में 15 लीटर का रेट आप 1425 ही देख सकते हैं। पामोलिन में 15 लीटर कीमतें 1500 रुपए चल रही हैं। पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 100 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल के बारे में बात करते हैं, 15 लीटर सोया ऑयल कीमतें 2015 है। सोया ऑयल में 1 लीटर का रेट 132 है। फॉर्च्यून में 15 लीटर का रेट 2270 है। फॉर्च्यून में 1 लीटर कीमतें 145 रुपए देखी जा रही है। सोया रिफाइंड के बारे में अगर बात करते हैं, 1 लीटर सोया रिफाइंड का रेट 136 है, और बेस्ट चॉइस पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 102 रुपए पर स्थिर देखा जा रहा है। टैंकर की कीमतों में काफी हद तक गिरावट आई है। राइस ब्रांड का रेट 123 रुपए चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सोया ऑयल कीमतें 135 चल रही है। सोया ड्यू का रेट बाजारों में आप 133 रुपए देख कर चल सकते हैं। मस्टर्ड के बारे में अगर बात करते हैं, 146 रुपए का लेवल मस्टर्ड में देखा गया है। 144 रुपए का लेवल आप एक्सप्लर में देख कर चल सकते हैं। पामोलिन की कीमतें बाजारों में 101 रुपए देखी जा रही है। तो बाजारों में ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में अगर बात करी जाए तो ट्रेंड बाजारों में जाहिर सी बात है इस वक्त के लिए बेहद निगेटिव नजर आ रहा है, और विदेशी बाजारों में अगर यहां से और भी गिरावट देखी जाती है तो इसका खास तौर से असर आपको सोयाबीन और अन्य फसलों पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से बाजारों में आने वाले समय में और भी गिरावट बनने की उम्मीद फिलहाल के लिए लगाई जा रही है। तो आज की खबरों से इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।